दोस्तों ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो अपने फायदे के लिए एक जेल में कुछ कैदियों को रखकर उन पर ऐसे खतरनाक और घिनौने एक्सपेरिमेंट करता है जिसे उन कैदियों को हर दिन नर्क से गुजरना पड़ता है लेकिन एक दिन उनमें से कुछ कैदी उस साइंटिस्ट के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसका उसने भी कभी सपने में नहीं सोचा था लेकिन आखिर वो साइंटिस्ट उन कैदियों के साथ ऐसे कौन से घिनौने एक्सपेरिमेंट करता था और आखिर उन कैदियों ने उनके साथ ऐसा क्या किया चलिए जानते हैं तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है जो कुछ कैदियों को लेकर एक खूबसूरत आइलैंड पर उतरता है जहां उन कैदियों को स्पाइडर हेड नाम की एक अनोखी जेल में रखा जाता है जो कि एक अलग ही तरह की जेल थी क्योंकि वहां उन कैदियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी वहां उन कैदियों को उनके पर्सनल रूम में रहने और उनके मन पसंद काम करने की आज़ादी थी साथ ही उन्हें आस घूमने की भी पूरी छूट दी जाती थी लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बदले उनके बॉडी आरोप इंसानों के इमोशन को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिसके लिए हर कैदी की पीठ आरोप उन केमिकल्स के छोटे छोटे बॉक्स हमेशा ही लगे होते थे जिन्हें मूवी पैक कहा जाता था हर बार उन कैदियों को कोई भी नया डोज देने से पहले उनकी परमिशन ली जाती थी और उनके एक्नोलॉज कहने पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता था ये सारे एक्सपेरिमेंट जीनियर साइंटिस्ट स्टीव अवनेस्टी और उनके असिस्टेंट मार्क की देख में होते थे और आज वो लोग रे नाम की एक कैदी आरोप जी फोर्टी ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस ड्रग की वजह ऐसी स्टीव के बकवास जोक्स आरोप भी रे पागलों की तरफ हंसने लगता है जहाँ आरोप मार्क के हिस्ट्री के ट्रेजेडी ऐसी भरे फैक्ट पढ़ रे को बताता है बट जी फोर्टी सिक्स ड्रग के असर अभी भी लगातार हंसता ही जा रहा था यह देखकर स्टीव मार्क को यह कहते हुए बहुत खुश होता है कि उनका ये ड्रग सक्सेसफुल रहा और अपने नोटबुक में इस टेस्ट से जुड़ी जानकारी नोट करने के साथ ही गोल्डन स्टार वाला स्टिकर भी उस जानकारी पर चिपका देता है अगले दिन सुबह जैप नाम की कैदी को आंखों पर पट्टी बांध कर बिल्डिंग के बाहर एक खास टेस्ट के लिए ले जाया जाता है उसे एन फोर्टी ड्रग का डोज देने के बाद उसकी आँखों ऐसी पट्टी हटा ली जाती है पट्टी हटने आरोप जैप को सारी चीजें बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है वो उस खूबसूरती को ठीक ऐसी बयान नहीं कर पाता इसलिए बी फिफ्टीन नाम का दूसरा डोज दिया जाता है जिसके असर ऐसी बहुत ही खूबसूरत सायराना अंदाज में उस खूबसूरत नज़ारे के बारे में बताने लगता है लेकिन जैसे ही टेस्ट खत्म होता है और सब वापस आने लगते है तो जैप देखता है की वो एक बहुत ही गंदे और बेकार सी जगह में खड़ा है अपने ठिकाने पर लौट कर जैप किचन में काम कर रही अपनी साथी कैदी लेजी के पास जाकर काम में उसकी हेल्प करने लगता है असल में जैप को लेजी बहुत पसंद थी और वो दोनों स्नैक्स बनाने के इंचार्ज थे जैप को ये काम इसलिए पसंद था क्योंकि उससे लेजी के साथ ज्यादा वक्त बिताने और उससे बात करने का मौका मिल जाया करता था वो लोग खाना बनाते हुए अपने साथ होने वाले टेस्ट के बारे में भी बात किया करते थे शाम को जैप अपने रूम में बैठ डिटेल में बीती हुई घटनाओं को याद करके अनोखे तरह की ड्रॉइंग बनाना पसंद करता था लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होता था क्यूँकी कई बार सोचते हुए उसका दिमाग पास्ट में चला जाता था और वो उसे सारी चीजें याद आ जाती थी जिसकी वजह से वो इस जेल में पहुंचा था यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पास्ट में उस खूबसूरत रात को वो अपने बेस्ट फ्रेंड एडम और अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा था पार्टी में जैप ने बहुत ज्यादा ही पी ली थी और घर वापस लौटते वक्त नशे में उसने गलती से अपनी कार को एक पेड़ में ठोक दिया था जिसकी वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड एडम की मौत हो गई थी फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नए टेस्ट के लिए जैप को एक दूसरी कैदी हैथर के साथ ले जाया जाता है एक्सपेरिमेंट में पहले स्टीव अच्छी तरह से पता कर लेता है कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगते हैं तो उनका जवाब ना के बराबर होता है फिर मार्क उन्हें एन फोर्टी का डोज देता है और तुरंत ही जेफ और हैथर एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और कैमरा और साइंटिस्ट की मौजूदगी में ही इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और बे प्यार करने लगते हैं ये देखकर स्टीव और मार्क खुश हो जाते हैं पर वो अभी अपनी डायरी में गोल्डन स्टार नहीं लगाता क्यूँकी वो पहले एन का बचा हुआ असर देखना चाहता था इस बीच जेफ खाना सर्व करते वक्त हैथर के लिए भी खाना लेकर आता है तो वो दोनों अजनबी जैसा बिहेव करते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते ये देखकर स्टीव को थोड़ी निराशा होती है और वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है लेकिन इस बार वो एक बुरी औरत को चुनता है जिसे देखकर जेफ इनकार कर देता है और उसे डबल डोज दिया जाता है और वो इस बार भी प्यार की सीमा पार कर जाता है बाद में जब मार्क को उसकी मूवी पैक को रिफिल करने आता है तो उसे बताता है की ये बॉक्स बहुत ही नाजुक है और हल्के झटके ऐसी भी टूट सकता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है इसलिए लड़कियों के साथ इंटीमेसी करते वक्त उसे केयरफुल रहने की जरूरत है जेफ मौके का फायदा उठाकर मार्क से कहता है कि वो उसकी ड्यूटी बदल दे क्योंकि वो स्नैक्स की ड्यूटी से बोर हो गया है और कुछ चेंज चाहता है पर वो मार्क से असली रीजन नहीं बताता अगले दिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे स्टीव और मार्क के साथ साइंटिस्ट के डेस्क पर काम करने की ड्यूटी मिली है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए दो तो अलग अलग रूम तैयार किए जाते हैं एक में डेब को रखा जाता है जो ढेर सारा खाना खा रहा होता है दूसरे रूम में हेथर और सारा बैठी होती है टेस्ट बहुत सिंपल था और स्टीव जेब को उन दोनों में से किसी एक को डिन फ्लॉक्स का डोज देने को कहा जाता है जो की स्टीव के मुताबिक एक उत्तेजित करने वाली दवाई थी लेकिन इसका कोई परमानेंट नुकसान नहीं था यह सुनकर जेब थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है और दोनों में से किसी को भी चुनने से इनकार कर देता है पर वो ये भी क्लियर कर देता है कि अगर उसे चुनना ही पड़ा तो वो रेंडमली दोनों में से किसी को भी चुन लेगा क्योंकि उसके दिल में उन दोनों में से किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं था और वो सिर्फ इसलिए इनकार कर रहा था क्योंकि इससे पहले वो दवाई उसे दी गई थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये सुनकर स्टीव इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जेफ को उन दोनों औरतों के साथ फिजिकल होने के लिए अलग अलग डोज दिए गए थे लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट सेम थे कुछ देर बाद जी जैप के पास आकर उसे ड्यूटी चेंज करने के फैसले के बारे में पूछती है पर तभी गार्ड आकर जेब को बताता है कि आज उसकी छुट्टी है ये सुनकर वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड एमा को फोन करता है पर हर बार की तरह इस बार भी उसकी डायरेक्ट कॉल नहीं लगती और उसे वॉइस मैसेज भेजना पड़ता है वो मैसेज में उससे माफी मांगता है और कहता है की वो उसे बहुत मिस करता है साथ ही इस बार वो उसे लेजी के बारे में भी बताता है अगले सीन में जैफ को रोगर नाम के एक इकट्ठे कट्टे कैदी के साथ रूम में भेजा जाता है पर उसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वो डोज लेने के लिए कर देता है फिर उसे बिना डोज दिए रूम में जाने को दिया जाता है लेकिन जेफ को तसली नहीं होती और वो साइंटिस्ट के रूम में जाकर पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है की हेथर को रोगन या जेफ में से किसी एक को फ्लॉक्स देने के लिए कहा गया था पर वो भी उनमें से किसी को नहीं चुनती इसका मतलब ये भी था की वो भी रोगन के साथ पहले किसी टेस्ट में बिजी हो चुकी थी इस बात ऐसी जेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो ये चेक करना चाहता है की क्या सारे कैदियों पर वो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं या नहीं स्टीव उसे सारे कैदियों के एक दूसरे के साथ कनेक्शन होने के बारे में बताते वे कहता है ये सब एक मैंडेटरी टेस्ट था जिसके लिए उसे ऊपर से ऑर्डर थे जैक कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो स्टीव उसे याद दिलाता है कि वो एक कैदी है और अगर उसने उन्हें एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने से मना किया तो उसे वापस उस ट्रेडिशनल जेल में भेज दिया जाएगा जहाँ उसे जालिम जेलर्स के टॉर्चर सहने होंगे जैक यहाँ मिल रही फैसिलिटी को खोना नहीं चाहता था इसलिए उसे माफी मांग कर रोगन के साथ अगले टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है आरोप खुशकिस्मती से सहरा भी उनमें से किसी को डोज नहीं देती और टेस्ट कैंसिल हो जाता है इसके बाद स्टीव मार्क ऐसी है कि टेस्ट को गोल्ड स्टार देने से पहले उन दोनों को भी उस टेस्ट से गुजरना होगा पर मार्क ये सुनकर अनकंफर्टेबल फील करता है लेकिन स्टीव उससे कहता है कि वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए ये टेस्ट जरूरी है तो वो मान जाता है उस समय स्टीव खुद को एन फोर्टी का डोज देता है लेकिन कैदियों को ये बात नहीं मालूम थी की उसके बैग में भी मूवी पैक का बॉक्स लगा हुआ था इधर डिनर करते वक्त जैक लेजी को बताता है की डार्कन फॉक्स के डोज ऐसी कितना बुरा लगता है बातों बातों में लेजी जेफ का हाथ पकड़ उससे ड्यूटी बदलने का रीजन पूछती है तो जेफ उससे कहता है कि इस जगह उसका दिमाग काम नहीं करता है और कभी कभी तो वो ये भी भूल जाता है कि वो यहाँ आने से पहले किन लोगों के साथ था वो लेजी को बताता है कि जब वो उसके साथ होता है तो उससे अच्छा महसूस होता है नेक्स्ट मंडे को स्टीव रिस्क उठाने के लिए तैयार होकर मार्क से उसे ट्रिपल डोज देने को कहता है कि तभी जेफ वहाँ पहुँच उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है पर दोनों साइंटिस्ट सारी चीजें जल्दी ऐसी हटा देते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कहता और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है स्टीव उसे बताता है की कमेटी में डाकिन फ्लग्स की टेस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए कहा है स्टीव ने पहले से ही जैब को कुछ केमिकल्स के डोज देकर अपने कंट्रोल में कर रखा था इसलिए जैब के पास कोई चारा नहीं होता और वो हैथर को एन फोर्टी का डोज दे देता है जिसके असर से उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और मार्क जैब को बी फिफ्टीन का डोज देता है जिससे वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हैथर के अंदर के दर्द और डर को बयान करने लगता है वो ये भी बताता है की वो हैथर से प्यार नहीं करता उधर हैथर घबराहट और डर के कारण इतना पैनिक हो जाती है की उसी उठा में उसके पीठ में लगा हुआ मूवी पैक टूट जाता है जिससे डाकन का डोज उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है वो एक फुलदान को तोड़कर उसके एक टुकड़े से अपनी जान ले लेती है मार्ग और स्टीव उससे बचाने के लिए दौड़कर रूम में जाते हैं पर स्टीव की चाबियों का गुच्छा रास्ते में ही गिर जाता है अंदर जाकर मार्ग और स्टीव भीतर से पूरी घटना पर बहस करने लगते हैं इस बीच स्टीव की गिरी हुई चाबी का गुच्छा जैक उठा लेता है और उसकी चीजों को खोलकर चेक करने लगता है स्टीव का नोटबुक उसके हाथ लगता है जिसमें उसे बहुत सारी जानकारियां मिलती है वो देखता है कि कागज के टुकड़े पर ओ बी डी एक्स नाम का एक केमिकल फार्मूला एफ ने फार्मास्यूटिकल के लोगों के साथ बना हुआ है इसका मतलब साफ था कि वहाँ कोई कमेटी नहीं थी बल्कि स्टीव खुद कंपनी का ऑपरेटर और मालिक था दूसरी चीज वो नोटिस करता है की एक बिंगो कार्ड पर छह और चालीस को छोड़कर बाकी सारे नंबर पर गोल्ड स्टार लगे हुए थे उन स्टार के नीचे वाले नंबर उन केमिकल्स के नंबर के साथ मैच कर रहे थे जिनका उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका था एंड पोटी वाला ड्रग सच्चा प्यार पाने के लिए एक्सपेरिमेंट में अभी तक कामयाब नहीं हुआ था इसलिए उसे अभी तक स्टार नहीं मिला था और सिक्स वो ड्रग था जिसे मार्क सबके मूवी पैक में डाला करता था इससे पहले की जेब को जान पाता वो स्टीव को वापस आता हुआ देख कर, जल्दी ऐसी सारी चीजें सही जगह आरोप रख देता है और चाबी का गुच्छा वापस जमीन आरोप फेंक देता है बाद में मार्क स्टीव ऐसी इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहता है पर स्टीव इससे इनकार कर देता है स्टीव उससे कहता है कि इस घटना की रिपोर्ट करने से उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और अब वो ऐसा नहीं कर सकते इसके बाद स्टीव जेब से मिलने जाता है जो हैथर की मौत से बहुत उदास था और उसे समझा की कोशिश करता है लेकिन उसके किसी भी बात से जैप संतुष्ट नहीं होता फिर स्टीव दूसरा तरीका अपनाता है और अपने साथ जैप को भी उस केमिकल का डोज देता है जिससे उसने रे पर आजमाया था उस केमिकल के असर से दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही अचानक स्टीव उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और जैप भी हंसते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो मार्क की तरह उस जगह को छोड़कर कभी बाहर क्यों नहीं जाता है इस बार स्टीव उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसका सच्चा प्यार है इसलिए वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता अगले एक्सपेरिमेंट के लिए लेजी को चुना जाता है और उसे ऐसा केमिकल दिया जाता है जिसकी वजह से उसे हर चीज से डर लगने लगता है यहाँ तक कि एक से स्टेपलर को देखकर भी वो डर से चीखने लगती है इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपनी सारी तकलीफ और शर्मिंदगी को जैप से शेयर करती है जैप उसकी तकलीफ को समझता है और उसे कहता है की इसी वजह से उसने अपनी ड्यूटी को चेंज करवाया था किसी को समझ में नहीं आता की थोड़े से आराम के लिए वो लोग इन एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे मान जाते हैं जब जैप उसे अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि वो ये सब डिजर्व करता है कई ने पहले बीती घटना को बताते हुए जेप कहता है कि उस रात को जब उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी तो उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त एडियम के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमा की भी मौत हो गई थी और तब से वो गिल का शिकार हो गया था ये सुनकर लेजी उसके पास जाकर उसे तसली देती है की वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते है बाद में वो दोनों साथ में खाना खाते है तभी जेप के दिमाग में एक प्लान आता है जिससे वो बताता है इधर सिक्योरिटी फुटेज में जेफ को लेजी का स्केच बनाती हुए देखकर स्टीव को भरोसा हो जाता है की उसका एक्सपेरिमेंट भी काम कर रहा है और इसके बाद वो एन फोर्टी का डोज लेकर बिस्तर पर चला जाता है अगले दिन स्टीव एक और टेस्ट के लिए जेब को फिर से बुलाता है और उसे एक लेजी को डाकिन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है पर जेब इससे इनकार कर देता है तो स्टीव बिना कुछ किए उसे जाने देता है जेप के जाते स्टीव मार्क को उसका बी सिक्स का डबल डोज देने के लिए कहता है और जब मार्क जेप के रूम में डोज देने के लिए आ जाता है तो जेप उसका विरोध करता है और कहता है कि वो ये जानता है कि ना तो कोई कमिटी है और न ही बी सिक्स कोई प्लेसिबो है लेकिन ये जो कुछ भी है वो उस स्टीव के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उसकी बात सुनकर मार्क भी अपने दिल की बात उसे बताता है कि वो किसी जूनियर साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहता था और उसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये सब दुनिया की भलाई के लिए किया जा रहा था इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा था पर अब इसे भी इस बात का पछतावा हो रहा था जैब भी इस बात को महसूस करता है और वो दोनों मिलकर इन सब ऐसी निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं इसके बाद मार्क वीकेंड बिताने के लिए घर चला जाता है नेक्स्ट मंडे मार्क बीमार होने के कारण नहीं आ पाता इसलिए स्टीव और जैप अकेले ही टेस्टिंग रूम में रहते हैं स्टीव जेप से लेजी को डाकिन फ्लॉक्स का डोज दे के लिए कहता है पर जेब इनकार कर देता है इस पर स्टीव को गुस्सा आ जाता है वो समझ नहीं पाता है कि सिर्फ कुछ महीने एक साथ एक जगह पर बंद रहने पर उन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है स्टीव जेब के मन में लेजी का प्यार कम करने के लिए लेजी को अपना जुर्म कबूल करने को कहता है वो रोते हुए बताती है की वो अपनी बच्ची को कार में बंद करके फूल गयी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी फिर वो जेब से केमिकल देने को कहती है जेब कंट्रोल का स्क्रीन दबाता है और उस केमिकल का असर लेजी की जगह स्टीव को होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है दरअसल मार्क ने बीमार होने का झूठा नाटक बनाया था और कंट्रोल के प्रोग्रामिंग को पहले ही चेंज कर दिया था उसने स्टीव के मूवी पैक में बी सिक्स का एक्स्ट्रा डोज भी डलवा दिया था ताकि वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहे जब स्टीव को फिर केमिकल का डोज देने के बाद डाकिन फ्लॉक्स का डोज भी दिया जाता है जिससे स्टीव दर्द ऐसी छटपटाने लगता है जेक उसे कहता है की मार्क पुलिस को लेकर आने वाला है और उसे पता चल चुका है की असल में ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है बी एक ऐसा केमिकल है जो लोगो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उससे जो चाहे करवा सकते हैं दर्द में होने के बावजूद भी स्टीव सोचता है कि बी सिक्स का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था उसे लगता है कि बी सिक्स इंसानों की डीप फीलिंग्स को दबाने में नाकामयाब था जिस वजह से उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था स्टीव जेफ और लेजी को बताता है कि उनकी सजा बहुत पहले खत्म हो चुकी थी पर उसने उन्हें ये बात नहीं बताई थी ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो स्टीव के सर को टेबल की तरफ धक्का देता है और उसे कंट्रोल पर उंगली रखकर फ्रंट डोर खोलने के लिए मजबूर कर देता है जेफ उस रास्ते से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हैथर की मौत का सच बताना चाहता था लेकिन बाहर निकलते हुए जेप स्टीव को एक चाकू लेकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है और ये देख कर वो उससे चाकू मांगता है पर बी के एक्स्ट्रा डोज दिए जाने के बाद भी स्टीव जेप ऐसी ऑर्डर मारने ऐसी इनकार कर देता है इसका मतलब साफ था की वो केमिकल इंसान की असली फीलिंग्स को दबाने में पूरी तरह कामयाब नहीं था यह प्रोजेक्ट स्टीव के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था की उससे बचाने के लिए वो अपनी जान तक दाव पर लगा देता है जेफ को मारकर स्टीव उससे कंट्रोलर छीन लेता है और लेजी को डाकन फ्लॉक्स के चार डोजेस दे देता है जिससे उसकी हालत तुरंत पागलों जैसे हो जाती है जेब स्टीव पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और दोनों एक दूसरे से बीर जाते हैं उनकी फाइट से कंट्रोलर टूट जाता है फिर जेब स्टीव को मारते हुए उसे दीवार की तरफ धक्का देता है जिससे स्टीव का मूवी पैक टूट जाता है और केमिकल के अचानक शरीर में फैलने से स्टीव कमजोर पड़ जाता है तब मौका देकर जैक धक्का देकर उसे तूर कर देता है फिर उसकी चाबी लेकर दौड़कर लेची को देखने के लिए जाता है किस्मत से वो समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसके मूवी पैक को उसके शरीर से अलग कर देता है लेची उससे अपना जुर्म पहले नहीं बताने के लिए माफी मांगती है तो जैक उससे कहता है की उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यूँकी वो अभी भी उससे प्यार करता है फिर वो दोनों उस जगह ऐसी निकलने की तैयारी करते हैं तब स्टीव माइक आरोप ये अनाउंस करता है की सारे कैदी अगर अपनी सुविधाएं जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें जैप और लेजी को रोकना पड़ेगा तब स्टीव की नजर अपने सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है वो पुलिस को बिल्डिंग के तरफ आते हुए देखता है इसलिए सारे जरूरी केमिकल्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है उधर जैक लेजी को बाहर निकलते वक्त सेरा और रे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों मिलकर फाइट करते हैं और उनसे बचकर निकल जाते हैं डे भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर लेजी उसे पेस्ट्री की चाबी देख आसानी से छुटकारा पा लेती है बाकी कैदी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों तेजी से भागकर कर आखिरी में पहुँच पीछे से दरवाजा लॉक कर देते हैं और सारे कैदी वहीं फंसे रह जाते हैं बाहर पहुँच वो देखते हैं की स्टीव अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ निकल रहा था इसलिए एक मोटर बोट लेकर वो भी वहाँ ऐसी निकल जाते हैं मार्ग पुलिस के साथ वहाँ पहुँच देखता है की स्टीव पहले ही वहाँ ऐसी निकल चुका है पर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती क्यूँकी एन के असर ऐसी स्टीव को अपने सामने पहाड़ की जगह एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और उसी धोखे में वो अपना प्लान उस पहाड़ से टकरा देता है जैक और लेची भी उस धमाके को देख कर हंसते हैं और जेप इस नतीजे पर पहुँचता है कि की खुद की गलतियों को माफ करने के लिए किसी केमिकल की नहीं बल्कि अपने अंदर के सच्चे जज्बातों की जरूरत पड़ती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय